दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं यूपीपीसीएस 2018 मेंस का रिजल्ट यानी परिणाम कैसे चेक करें और रिजल्ट में क्या क्या खास बातें हैं। तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पे ओपन है। मैं आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट आपको कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं रिजल्ट खुल गया है। टोटल इस बार 984 पद है, जिसमें 16,738 कैंडिडेट जो है अपियर हुए थे, जिसका एग्जाम सेंटर प्रयागराज और लखनऊ में हुआ था, वेरियस सेंटर थे उसके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कुल जो है ये देख सकते हैं 2669 यानी कि 2600 से अधिक कैंडिडेट जो है क्वालिफाइड हुए हैं, यानी कि अगले स्टेज यानी कि साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको जो रिजल्ट की फाइल है वो कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले नंबर वन वेबसाइट rozgarresult.com को ओपन करना है। दोस्तों ध्यान है, rozgarresult.com बहुत ही ट्रस्टेबल, जेन्युइन और बहुत ही तेज अपडेट होने वाली वेबसाइट। दोस्तों आप इसका फ्री एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि रिजल्ट संबंधित, इंटरव्यू संबंधित जो भी जानकारी आएगी और यूपीपीसीएस के तमाम नए फॉर्म आते हैं, सारी जानकारी आपको मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी। तो देख सकते हैं रिजल्ट दिया हुआ है, मैं भी आपको रिजल्ट चेक करके ही बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ दोस्तों, हमारी दूसरी वेबसाइट है sarkaririzult.com। यहाँ दोस्तों जैसे कि आपको पता है सरकारी रिजल्ट नाम से मिलती जुलती अनेक वेबसाइटें आ गई, इसलिए ओरिजिनल वाली सरकारी रिजल्ट खोलने के लिए आपको लास्ट में .com जरूर लगाना है और इस लोगों को पहचान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों मैं मेंस के रिजल्ट पर क्लिक कर देता हूँ। आपको बता दूं उसका जो प्री एग्जाम था वो 28 अक्टूबर को हुआ था और मेंस का जो रिजल्ट है वो 23 जून को जारी कर दिया गया। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आपको सीधा आना है सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स में, आपको डाउनलोड मेंस रिजल्ट मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं वो फाइल हो गई। अब आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, तो दोस्तों इसके लिए आप अपना मेंस का एडमिट कार्ड जो है निकाल लीजिए। मेंस के एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर होगा। अगर आप इस रिजल्ट को मोबाइल पे चेक कर रहे हैं तो इस फाइल को खोलने के बाद आपको कंट्रोल प्लस एफ यानी कि अगर आपको मोबाइल में पीडीएफ व्यूअर नहीं है तो आपको फाइंड पे क्लिक करना पड़ेगा। जो भी ब्राउजर पे आप इस रिजल्ट को खोल रहे हैं उस पर फाइंड पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा। जो हमारे मोबाइल लैपटॉप यूजर है उनको मैं बता दूं, उनको कंट्रोल प्लस एफ कीबोर्ड से दबाना है। ये देख सकते हैं यहाँ बॉक्स ओपन होके आ गया है, ये देखिए बॉक्स ओपन होके आ गया। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर सिंपली ऐसे पुट कर देना है। जैसे आप उसका अपना रोल नंबर डालेंगे आप देख सकते हैं रोल नंबर, अगर आपका क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट में होगा तो देख सकते हैं हाईलाइट होके आ जाएगा, देख सकते हैं हाईलाइट होके आ रहा है। अगर आपका रोल नंबर क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट में नहीं होगा तो जो है, तो दोस्तों अगर आपका रोल नंबर इस क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट में नहीं होगा तो आपको में कोई भी रिजल्ट जो है शो नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं एक दूसरा रोल नंबर डालता हूँ, ये देख सकते हैं उसमें देखिए रेड कलर से आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो आपका रिजल्ट है वो क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट में नहीं है। तो दोस्तों इसका स्कोर कार्ड भी बहुत ही जल्द जारी होगा, जो लोग नॉट क्वालिफाइड है वो अपना स्कोर कार्ड बहुत ही जल्द जारी होगा, उसके लिए आपको मैंने बताया। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है डायरेक्ट लिंक, वहाँ से भी आप इस रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और sarkaririzult.com और rozgarresult.com के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।